यार चश्मा लग चुका है यार, तो ठीक है बेसिक आप बता दीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं, इसमें ये है कि शॉर्ट फिल्म, एक मिनट, ये लॉयर, लॉयर के लेटर हेड पे एक लेटर है कि आप इस शॉर्ट फिल्म को नहीं रिलीज करें, अगर आपने किया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। इस पे किसी जज का कोई स्टैंप नहीं, कोई स्टैंप नहीं है, और हम मिस्टर राहुल राज सिंह को इसमें डिफेम कर रहे हैं। प्लीज वॉच द ब्लडी फिल्म। ये हम तो करना चाहते हैं, कंट्री क्लब वाले डर गए हैं, कंट्री क्लब वाले डर गए, कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। स्क्रीनिंग अभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। आप लोग बोलिए, एक काम करती हूँ, एक मिनट, ये लोग डर गए ना, हम नहीं डरते। आइए हमारे घर में आइए, मैं आपको फिल्म चला के दिखाती हूँ। अभी के अभी चलिए, मैं आपको फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन एज प्रॉमिस्ड, फिल्म रिलीज हो चुकी है ना। शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन आप लोगों के फ़ोन में आ चुकी है ना, दुनिया के पास आ चुकी है, यूट्यूब में आ चुकी है। ये फिल्म जो फिल्म की मालिक है उसने रिलीज कर दी है। फनी लगा मुझे ये सुन के, थैंक यू सो मच कि उन्होंने कहा। बाप रे, तो नहीं बात सुन ली, रिलीज करने वाले हैं। क्यों, वो फिल्म में तो वो उस फिल्म ने उन्हें बैड लाइट में दिखाया। डॉक्टर जैस्मिन मोदी, उनको प्लीज नंबर दीजिए और बोलिए ही रियली नीड अ साइकियाट्रिस्ट वेरी वेरी बैडली। नहीं, लेकिन वो डायरी एक साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट मिनट की फिक्र खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और क्या, और उस डायरी में, और उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी, है ना? फिर तो उन्हें ये भी पता होगा। नहीं, पर उन्होंने ये कहा है, काम्या, ये मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि कल जब उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों बेहद हैप्पी थे, बहुत खुश थे। सेम डे अगर वो दुख होता उसको तो 4 दिन पहले शादी का जोड़ा क्यों बुक करती? सेम डे हमने पिक्चर्स निकाली थी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, बियॉन्ड दिस प्रोफेशन, आप एज अ रिपोर्टर भूल जाइए, एज अ ह्यूमन बीइंग बात करिए। ये दो लोग हैं, एक मर्द एक औरत, जो एक रिश्ते में है और जो बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा। सुबह आदमी फोटो निकाल के हैप्पी हैप्पी स्माइली इंस्टाग्राम करके काम पे जाता है और दूसरा टेबल पे चढ़ के मर जाता है। एक मिनट, मर गया, मजाक है। और ये कहीं से जिम्मेदार नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आप चिल्ला के मीडिया को बताते हो कितना ड्रिंक करती थी वो, कितना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं जब, तो भी वो उसको गलत और सही सिखाते हैं। आप तो 4 दिन बाद, 4 दिन पहले जोड़ा शादी का ऑर्डर करके आए थे ऐसी लड़की के लिए जो ड्रंकन थी। कहाँ, क्या बात बोल रहे हैं आप, ना आपका अगला समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है, गड्ढे पे गड्ढा आप खोदे जा रहे हैं। इस फिल्म में अगर आप खामोश रहते तो आप बचे थे। आपने ये कर्मा है और ये वो लड़की खुद करा रही है, जो आप इतनी बैड लाइट में आए हो ये आपकी अपनी मेहरबानी है। खुद ही कह रहे हैं मुझे बैड लाइट में दिखाया है, खुद ही कह रहे हैं वो। आप देखिए इस फिल्म को, क्या इस फिल्म के हीरो ने हीरोइन पे हाथ उठाया या उसे गाली दी है या ऊंची आवाज़ में बात की है, ज़रा देखिए ना आप। जबकि मुझे ये डाउट है कि राहुल राज सिंह प्रत्युषा के साथ ये ज़रूर करते थे, ये मैं बोल रही हूँ 25 कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी पे मार के निशान देखे हैं। फिर से डिफेमेशन केस होने वाला, अरे टू हेल विद डिफेमेशन केस, सबको देख लूंगी। सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती, मैंने हमेशा डंकी की चोट पे सच कहा है। मुझे डाउट है कि वो ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्यों कूदे वो इस फिल्म के चक्कर में? माँ से लड़की बहुत ही कनेक्टेड होती है, कुछ ऐसी चीजें जैसे फिल्म के बारे में कभी इस फिल्म का उन्होंने पहले भी जिक्र किया था या कुछ बातें आप लोगों की पहले हो पाती थी? नहीं, वो काम करती थी, बस हमारा था कि वो काम कर रही है और खुश है काम करके। हम इस तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करते थे, और ये प्रोफेशनल बात है कि वो क्या कर रही है और अच्छा काम कर रही है। हम देख रहे हैं जो कर रही है, हम जान रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि वो फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही करती थी, तो अच्छा लगता था उसका काम करना ही। एक हमारे लिए वो ड्रीम कम ट्रू जैसा बात है कि मेरी बेटी स्क्रीन पे है और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बेटी तो है लेकिन वो दुनिया की बेटी है, सारी बेटियाँ जो भी एंटरटेन करते हैं तो वो सबके घर में और सबके दिल में रहती है।
तो इसमें इस तरह का कोई बात तो हुआ ही नहीं। और बाकी ये फिल्म आया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि उसका एक्टिंग का जो पावर है वो सबको दिखेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है और वो क्या है वो खुद भी जानता है, तो यहाँ उसका बात ही करने का कोई ज़रूरत नहीं। और प्रत्युषा सचमुच बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसके बारे में आप भी जानते हो और सारे उसके फ्रेंड सर्कल जानते हैं। लेकिन हाँ, इसने सबसे पहले तो माँ बाप से दूर किया और उसके बाद इसने सारे फ्रेंड से, दोस्त से, उसके जो इतने खास दोस्त जो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी उनको, उनसे वो अलग कर दिया। और करके मैं तो बोलूँगी कि वो मारा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ रहता है और अगर वो संभाल रहती है, सॉरी मेरा हिंदी शायद गलत हो रहा है, और उसके बाद उस किसी भी प्रॉब्लम से गुजरती है तो वो जिम्मेदार है। अगर वो मैं हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे बच्ची का तबीयत खराब हो रहा है, अगर मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप उसके फ्रेंड से पूछो हमारा रिश्ता कैसा था, हम दोस्ती जैसा बात करते थे, हम माँ बाप के जैसा बात कभी किए ही नहीं, माँ बेटी के जैसा कन्वर्सेशन हमारा होता ही नहीं था एक लेवल पे। वो सब कुछ बताती थी, लेकिन ये जब से लाइफ में एंटर किया झूठ बोल के, शादी का झूठा वादा करके वो किया था, बाद में पता चला, बाद में बहुत सारी चीज़ हमें भी नहीं पता था, और बाद में वो घर में घुस के हम्मी को निकाल दिया घर से, हम लोगों को निकाल दिया, और निकाल के उसके उसको अकेला करके उसको ख़त्म कर दिया। यही है अंदर जी, बहुत बड़ी एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, एक साल हो गया लगभग, लेकिन इस पूरे केस में कहीं ना कहीं कुछ अब तक जो है सामने निकल कर नहीं आ पा रहा है। आपने बहुत जगह अर्जी भी लगाई सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी जगह पर, एक छोटी सी फिल्म जो उसकी याद है उसके ऊपर भी इतने सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, क्या कहते हैं? बस यही कि मेरा मानना है, हमारा हम सबका मानना है कि दुनिया में ईश्वर का कानून चलता है। अपराध जितना बड़ा सजा भी उससे 10 गुना उतना बड़ा प्रहार होता है, इसमें भी होगा, धैर्य धैर्य। हाँ जरूर, हमने सब कोशिश की, उस तरह से उसका इम्पैक्ट वैसा कुछ निकल करके आया नहीं अभी तक, बट स्टिल गॉड इज ग्रेट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। आज का जो इनिशिएटिव है इससे भी मालूम चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ईश्वर का खेल बहुत निराला है, बिल्कुल अपराधी को सजा होगा। और प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं शुरू से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, इट्स अ मर्डर, प्लीज इसको सुइसाइड का नाम दे करके किसी अपराधी को भागने का मौका मत दीजिए। एक स्पाइनलेस घटिया दर्जे का क्रिमिनल आता है, अच्छा खासा एक इंसान के जिंदगी में घुस के उसका पूरा घर को, उसका पूरा फैमिली को तबाह करके, लूट करके और ऐश करता है, मजा देखता है। सो मीडिया प्लीज, आप लोग हमेशा साथ रहे हैं लेकिन कभी कभी तकलीफ भी होती है, ग्राउंड जीरो से आप लोग जो रिपोर्ट करते हो आपका चेहरा में दिखता है कि आप मेरी सच्चाई को देख पा रहे हो, आप भी मेरे ही जैसा सिंपैथेटिक हो, दुखी हो, लेकिन जब स्क्रीन पे आता है ये बातें पेश करने के तरीके ही ऐसे होते हैं, कभी कभी जरा दुख भी होता है। सो प्लीज़ आपका फोकस आप ले आइए, ये मर्डर है जो सबसे पहले हमारे लॉयर नीरज जी ने इस दुनिया को बताया था। उन्होंने अपना करियर की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपने ह्यूमैनिटी को सामने रखा और उन्होंने सब कुछ बता दिया था, उनको तो सलाम करते हैं। सो प्लीज़ 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 फोकस कीजिए। हमारा ऐसा मानना है कि मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप लोग, आप पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेटर हैं। पहले आप लोग रिवील करते हैं सच, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर में या पुलिस क्या कह रहा है। तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए प्लीज़, अभी भी बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, आप लोगों से बात कीजिए। जो भी प्रत्युषा के साथ उस वक्त उन दिनों क्लोज में था, एक्चुअली तो किसी को नहीं रखने दिया था, बट फोन में किसी से भी जिससे जिससे बात होती थी, आप बात कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। प्रत्युषा के लिए ना सही, दुनिया का हर लड़की के लिए कीजिए। लड़कियों को कहीं ना कहीं से परेशानी का सामना करना ही पड़ता है लाइफ में बार बार। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग अभी किस तरीके से तैयार हैं कामयाब हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, अभी की क्या बात कर रहे हैं।
हम हमेशा ही तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा, और डरते नहीं हैं हम किसी से, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, न किसी की माँ से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, और हम तैयार हैं, जो भी होगा हम तैयार हैं।